नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पार्सल। आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इतना ही नहीं, क्या ओनली लैंग्वेज सेक्शन से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मुझे लग रहा है मजा नहीं आया। तो आप देख रहे हैं बीएचयू पार्सल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लैंग्वेज सेक्शन से हमें कितना फायदा हो सकता है। पार्टिकुलर में बीएचओ बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस पेपर के लिए वीडियो बना रहा हूं। बाकी बीए एलएलबी के अगर व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जब डिस्कस करूंगा तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा। कमिंग वीडियोज में हमारे आने वाले एमजे केवीपी की काउंसलिंग कैसे होगी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी लैंग्वेज जो पोर्सन है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये तमाम टॉपिक अभी आने वाली है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। कोई भी हमारा एनालिसिस या ऑफिशियल अपडेट्स, एजुकेशनल या टॉपर स्टॉक नहीं मिस होना पाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाषा बीएचयू में सबसे पहले बीए जो ऑनर्स है, बीएचयू में बीए ऑनर्स है और इलाहाबाद में बीए प्रोग्राम है। ऑनर्स मतलब हो जाता है किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइज्ड होने जा रहे हो। ठीक है, कभी डिटेल में मैं इस पे बात कर लूंगा। यहाँ पे दो फैकल्टी होती है, एक ही पेपर से दो फैकल्टी है, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। आर्ट्स फैकल्टी है, सोशल फैकल्टी। आगे आती है भाषा। भाषा में सबसे पहले यहाँ पे कॉमन पेपर होता है और इस कॉमन पेपर में 30 क्वेश्चन के सेक्शन होते हैं। कितने क्वेश्चन के? 30 क्वेश्चन के। हमारा जो पेपर है वो बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, जीके जीएस में, मेंटल एबिलिटी मैथ में और फाइनली एक लैंग्वेज सेक्शन में। तो मैं फाइनली आज इस वीडियो में बस मैं लैंग्वेज पर डिस्कस करूंगा। फाइनली उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग और मैथ पे, जीके जीएस पे। दोस्तों यहाँ पे हिंदी, ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी और ये हो गया इंग्लिश। ये दो ऑप्शनल रहते हैं। क्या रहते हैं? ऑप्शनल रहता है, मतलब आप कोई एक चूज कर सकते हो, वो भी एग्जाम के हॉल में चूज कर सकते हो। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अगर आप एग्जाम में इंग्लिश चूज करके पेपर दे के आओगे तो आपको बीएचयू में एज इंग्लिश ऑनर्स पढ़ना पड़ेगा या लैंग्वेज इंग्लिश ही लेनी पड़ेगी। आपका सिलेक्शन के बाद इस पेपर से कोई लेना देना नहीं है। तो आप एग्जामिनेशन हाल में ही कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। इवन आप दिमाग बहुत तेज है तो आप उस टाइम पे तुरंत डिसाइड कर सकते हो कि किसमें ज्यादा आपका क्वेश्चन आ रहा है, फाइनली वो डिसाइड पढ़ सकते हो। लेकिन मैं समझदारों की बात यही करूंगा, समझदारी वाली बात, कि आप ऑलरेडी डिसाइडेड हो, उसका प्रिपरेशन करो। मैं आपको बता देता हूं, अभी भी बिलीव नहीं करोगे, 15 दिन में लैंग्वेज प्रिपेयर हो सकता है। 15 दिन में पूरे 30 में 30 सही मंत्र देने वाला हूं भाई, ध्यान तो समझो पहले। यहाँ पे ऑप्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 30 आते हैं। और आपका टारगेट कितना है सही करने का? टारगेट है, मैं आपको दे दे रहा हूं कितना? 28। आप कमेंट करके बताओ कि आप खुद से कितना टारगेट ले रहे हो। प्लीज अभी कमेंट करो, तुरंत कमेंट ये करो कि आप 30 में कितने क्वेश्चन का टारगेट आज खुद से चैलेंज कर रहे हो, ये आपके लिए है। बाकी मेरे साइड से 28 है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कितना मुझे बताओ। क्या कोई ऐसा है जो 30 में 30 सही करने वाला है? आइए नेक्स्ट में आते हैं। तो यहां पे पूरा डाउट क्लियर हो गया है कि हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है, कोई भी चूज कर सकते हो। 30 क्वेश्चन आएंगे और जनरली ये आंसर शीट के लास्ट में रहता है, मतलब क्वेश्चन पेपर में लास्ट में ये दिया रहता है। तो आपको आंसर शीट भी कलर करने में या ऑनलाइन है तो टिक करने में ध्यान रखना है कि आपको कोई एक ही सेक्शन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये बात ध्यान देनी है। बाकी हमारे वीडियो जब भी सिलेबस, अब 15 दिन में या 12 से 13 दिन में अगर हमारी तैयारी हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज पे करनी है तो कैसे? सो वी हैव फर्स्ट सिलेबस, वो भी एग्जैक्ट अपडेटेड अप्रोप्रिएट सिलेबस, जहां से पूरे क्वेश्चन डायरेक्टली फंस जाए। सरप्राइजिंग है बट ये पॉसिबल है, सच बता रहा हूं, ये पॉसिबल है। मैं आपको आज लैंग्वेज पे जो एनालिसिस वीडियो दे रहा हूं ये यही सोच के दे रहा हूं क्योंकि ये पॉसिबल है, ये किया जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आप वीडियो बना रहा हूं, अदरवाइज मैं इस वीडियो बनाता ही नहीं, इस वीडियो को मैं बनाता ही नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसी स्लाइड पे आपको कुछ बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए इस बात को। ठीक है, वो बात ये है कि आपके जो ये 30 क्वेश्चन आते हैं ये हिंदी और इंग्लिश से आते हैं, ये बात सबको पता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई चीज ऑप्शनल एज अ चूज कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि ये ऑप्शनल है और इसको चूज करना है, और हम चूज तभी करते हैं जब हमें कोई चीज पसंद होती हो। मेंटली सोचो, अगर हम हिंदी सोच के ले रहे हैं तो इसका मतलब ऑलरेडी हम हिंदी में कुछ तो है। यदि हम इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कुछ तो है। जाहिर सी बात है, किसी पे थोपा गया भाषा ये नहीं है, ये आप चूज कर रहे हो, इट मींस इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये तुमने चूज किया है, ये आपने चूज किया है, आपको अच्छा करना ही पड़ेगा।
समझ में आई मेरी बात? मैं बेसिकली वो दिमाग की बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें आप अच्छा कर सकते हो क्योंकि आपने चूज किया है, और आपका जो 28 क्वेश्चन का टारगेट है वो पूरा होगा, एकदम गारंटी के साथ होगा। बीएचयू पाठशाला का जो पेड मेंबर है वो बस स्टडी मटेरियल की पूरी चीजों को पढ़ के जाओ, अब बाकी जो फ्री यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं उनको मैं जो बात बताने वाला हूं अभी बस उसको फॉलो करके जाओ। अगर नहीं 28 सही हुआ तो बताना, लास्ट टाइम 30 में 30 सही करने वाले बच्चे हैं। ये आकाश शुक्ला था, टॉप 50 में है वो, आपको बिलीव नहीं होगा, पूरे पूरे हिंदी क्वेश्चन करके आया था लड़का और सही, पूरा सही था, बस उसने लाइव सेशंस और पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल को यूज किया था, यूटिलाइज किया था। अब मैं बात करता हूं क्या कि कैसे हो सकता है हिंदी में कैसे आप पूरा में पूरा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, रचना एवं रचना का सबसे मेजर पोर्शन है यदि आप लैंग्वेज में हिंदी चूज करते हो, सबसे मेजर पोर्शन है रचना एवं रचनाकार। जैसे कामायनी किसने लिखा, जैसे कि कोई भी कंकाल किसने लिखा, तितली किसने लिखा, गोदान किसने लिखा, ये जो तमाम बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं उनकी जो फेमस कृतियां हैं, भारत भारती किसने लिखा, भारत दुर्दशा किसने लिखा, यामा किसकी रचना है, निर्जा किसकी रचना है, नीलकंठ किसकी रचना है, किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया, किसको सरस्वती सम्मान मिल गया, ये जो तमाम चीजें बस साहित्य की रचना एवं रचनाकार से संबंधित है, वहां से आपके क्वेश्चन कितने बनने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो ये बनने वाले हैं आपके टोटल, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, लगभग 8 से 12। आई थिंक यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा पोर्शन बस यहां से पूछा जा सकता है। इसके लिए बस आप ये जो पाठशाला के रचना एवं रचनाकार के पीडीएफ रट के जाना, जो मैंने 3 अपलोड किए हैं और जो 3 या 4 वीडियो मैंने बना के दिए, बस उसको रट के चले जाओ, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक मेगा मैराथन कराऊं, आप कॉमेंट्स करके बताओ कि आपको मैराथन चाहिए हिंदी पे। दोस्तों नेक्स्ट पोर्शन क्या है, नेक्स्ट पोर्शन है व्याकरण, ग्रामर। अब ग्रामर हिंदी में क्या है, जैसे कि आपका समास, संधि, रस, अलंकार, मतलब कुछ इस तरीके के टॉपिक जिसमें ग्रामर यूज होता है, जो ग्रामर से निकल के आता है। यहां से ज्यादा नहीं, जितने टॉपिक मैंने बताया वहां से बस 2-2 जोड़ लो आप लोग, 2-2। और अगर इसके 6 हैं तो मान के चलो 10 क्वेश्चन यहां से आएंगे, यहां से 10 और 12 20 क्वेश्चन हो गए। अब आपके बचे 10 क्वेश्चन, अब वो 10 क्वेश्चन कहां से आएंगे, शब्द आधारित व्याकरण एक तरह से आप बोल सकते हो, यानी तद्भव, तत्सम, समानार्थी, विलोम, मुहावरा, लोकोक्ति, ये जो तमाम चीजें हैं वहां से आपके लगभग 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, और ये पूरा मिला के आपके 30 क्वेश्चन की सीरीज तैयार हो जाएगी। ये सब कुछ आपके पास है, आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूं, और प्लीज इस मंत्र के लिए आप लोग ये मंत्र आप किसी को भी नहीं शेयर करोगे, अपने एक दोस्त को भी नहीं शेयर करोगे और अपने पड़ोसी को नहीं बताओगे, ये मंत्र बस आप अपने पास रखना। तो इसके लिए आप पास आ जाओ तब बताता हूं, नहीं तो फिर अगर आप ध्यान नहीं दोगे बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, सुबह में बस 30 मिनट लैंग्वेज पे फोकस करना है, कितना, ओनली 30 मिनट डेली बेसिस पे। अगर 30 मिनट अगर याद करोगे तो मैं एकदम श्योर हूँ कि अच्छा कर जाओगे, थोड़ा सा ज्यादा है तो 45 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा बस। ओके, अब गाइस आते हैं हम लोग इंग्लिश पे। इंग्लिश देखिए कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं, इसमें सबसे जो मेजर पोर्शन है वो है वोकैब। ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है ये आपका लगभग 8 से 12 क्वेश्चन फंसा देगा। वोकैब मतलब कई तरीके से, सेनो, एंटो और इस तरीके से जो भी जो शब्द पे जो बेस्ड होंगे, जो वर्ड्स पे बेस्ड होंगे, वो क्वेश्चन आपके यहां से फंस जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रामर पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, ये चीजें जो है यहां से भी क्वेश्चन फंस जाते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक ऑप्शनल दे रहा हूं, कॉम्प्रिहेंशन, जो कि बीए एलएलबी वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग भी इस पे ध्यान दे सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन वहां की संविधान में नहीं लिखा है कि कॉम्प्रिहेंशन आएगा, समझ लो कि नहीं, मतलब कहीं भी रिटेन नहीं है कि कॉम्प्रिहेंशन नहीं देंगे, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन दे भी सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन अगर आता है तो उसके लिए आपका ये बेनिफिट्स है, ये फायदा है आपका, कैसे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में आपके सीधे सीधे एक ही पैसे से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आपका अगर 5 क्वेश्चन इधर कट जाता है तो ग्रामर से 5 क्वेश्चन निकाल देंगे, तो आपको फायदा ही हुआ। अब कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कैसे करते, कॉम्प्रिहेंशन में पहले आप क्वेश्चन को ही पढ़ लो, उसके बाद उस पैसेज को पढ़ो, ये इजी रहता है आंसर को फाइंड आउट करने का। इसमें नियरेस्ट अबाउट में वर्ड के मीनिंग भी पूछे जाते हैं, तो इसके लिए जिसकी बहुत अच्छी पकड़ है एनालिसिस से, वो आराम से इसको कर ले जाएगा, उसमें थोड़ा भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। बाकी वही सेम मंत्र आपके लिए भी है, आप वही चीज फॉलो करो जो ऑलरेडी हिंदी वाले फॉलो करते हैं। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं गाइस, आप बहुत अच्छा करोगे और ये लैंग्वेज सेक्शन आपका बूस्टअप का काम करेगा। हर बार 3 मार्क्स ही होता था तो होता था 3 चौके 12 120, लेकिन अभी ये कितना हो जाएगा, 90 मार्क्स ही होता था, लेकिन अभी 4 मार्क्स का हो गया है तो 120 मार्क्स होने वाला है। आप समझ सकते हो कि आपकी मेरिट 120 कहां से कहां ले जा सकती है। अगर मैं 120 छोड़ो यार, मैं बस इसको 20 कर दूं तो भी आपकी मेरिट कहां से कहां ले जा सकती है। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लैंग्वेज सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो बस इस वीडियो को बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो था एक अवेयरनेस, एक अपडेट कि लैंग्वेज सेक्शन एक बूस्टअप है और ये आपके सिलेक्शन का कारण बन सकता है। तो गाइज रिक्वेस्ट टू ऑल मीडिया सब्सक्राइबर वॉचिंग बीएचयू पाठशाला कंटिन्यूअस, प्रेस द बेल आइकन, रेगुलर अपडेट के लिए बने रहिए। ऐसे ही बहुत सारे तमाम वीडियो मैं आप तक लेके आऊंगा और मैं जिस वीडियो का जो मेन मीनिंग आप तक पहुंचा दिया हूं, आई होप कि आप कमेंट करके बताओ कि ये जो तमाम चीजें मैंने बताया आपको कैसा लगा और इसको आप फॉलो करने वाले हो कि नहीं। बाकी मुस्कुराते रहिए, रमान जैसे किस तरह।